तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से हमारे एक नए वीडियो में। दोस्तों आज मेरे पास आया हुआ है ये एक वी-गार्ड का स्टेबलाइजर, जिनका मॉडल नंबर है VND 400+ इलेक्ट्रॉनिक्स वोल्टेज स्टेबलाइजर। इसमें जो है डिजिटल डिस्प्ले है, इसमें कि वोल्ट भी दिखाएगा, एम्पियर भी दिखाएगा, कितना लोड है, कितना इनपुट है, कितना आउटपुट है। ये ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर है वी-गार्ड का। तो चलिए हम इसे टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो है अपना जो है पावर सप्लाई है, चेक कर लेते हैं। ये जो है ऑन करने में यहाँ सप्लाई आ रहा है और इसे हम लगा देते हैं और अब हम ऑन करेंगे। तो दोस्तों इसमें जो है कोई सप्लाई नहीं आ रहा है, ये जो है इंडिकेटर ब्लैंक है। तो चलिए हम इसको जो है खोलते हैं और देखते हैं अंदर। दोस्तों मैंने ये खोल लिया है, अंदर कुछ इस तरह से नज़ारा है। यहाँ जो है 3 रिले वाला जो है इसका कंट्रोल है, 3 रिले स्विच। और अभी हम फिर से इसे चेक करेंगे कहाँ तक सप्लाई आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ से जो है इनका जो है ये मेन सप्लाई का इनपुट, मेन सप्लाई का इनपुट देखेंगे। तो एक कॉमन में गया हुआ है यहाँ पर और न्यूट्रल कॉमन में गया हुआ है, और ये जो है इनका आउटपुट वाला वायर है रेड कलर का, और इनपुट वाला जो है इस केबल से जो ये मेन केबल से जो आ रहा है रेड कलर का, वो यहाँ पर है इनका, ये यहाँ पर है। तो चेक करेंगे इसमें टोटल, और ये डिस्प्ले में लाइट नहीं आ रहा है, इसको चेक करेंगे। तो वो लगा देते हैं सप्लाई, और अब हम मल्टीमीटर लेके मल्टीमीटर में जो है 250 वोल्ट एसी सिलेक्ट कर लेते हैं और देखेंगे सप्लाई कहाँ कहाँ तक पहुँच रहा है। तो सबसे पहले हम ऑन कर देते हैं सप्लाई, ये ऑन कर दिया। अब वोल्टेज चेक करेंगे, वोल्टेज दिखा रहा है 250 वोल्ट हमारे मल्टीमीटर में। अब हम एक कॉमन में रख करके चेक करेंगे, जैसे कि मैंने बताया ये जो है आउटपुट वाला है, तो आउटपुट वाला में नहीं आ रहा है, ये इनपुट वाला है तो इनपुट वाला में शो कर रहा है, ये इनपुट है और ये है आउटपुट। इस रिले में फर्स्ट इनपुट वाला रिले ये है, ये ऑपरेट नहीं हो रहा है और ये जो है आउटपुट वाला है, तो ऑपरेट नहीं हो रहा है जिसकी वजह से यहाँ इसका जो है सप्लाई आउट नहीं हो रहा है। यानी कि जब हम सप्लाई देंगे स्टेबलाइजर में, जब सही रहेगा तब ऑटोमेटिक जो है सब आवाज़ करने लगा, किट किट की आवाज़ रिले में। इसका मतलब है रिले को सप्लाई नहीं मिल रहा है, जो कि इसको स्विच नहीं कर पा रहा है। तो चलिए सबसे पहले हम सप्लाई देखेंगे, इस ट्रांसफार्मर से निकलने वाला रिले सप्लाई, यानी कि रिले इस सर्किट बोर्ड को ऑपरेट कराने के लिए जो वोल्टेज हमें मिलना चाहिए 18 वोल्ट 15 वोल्ट, उसको हम चेक करेंगे। तो पहले हम पावर सप्लाई ऑफ कर लेते हैं, अब हम इस सर्किट को खोलेंगे। तो दोस्तों इसमें हम देखेंगे कि हमारा जो है पावर सप्लाई जो है ब्रिज रेक्टिफायर, जो ट्रांसफार्मर से निकलने वाला ऑपरेटिंग वोल्टेज होता है, उस पावर सप्लाई का जो है देखेंगे कहां पर बना हुआ है ब्रिज रेक्टिफायर। तो दोस्तों पहले हम ये डिस्प्ले वाला भाग को इसे हम हटा लेते हैं, और इसमें जो है ग्लू लगा दिया है, इसको हम हटाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर पूरा जाम है, इसलिए हम जो है इसका
यहाँ से जो है खोल लेते हैं। तो दोस्तों मैंने ये खोल करके अलग कर दिया है, अब हमें काम करने में आसानी होगा। यह डिस्प्ले रहा, अब हम जो है इस पर जो है सप्लाई जो है देखेंगे। इससे जो है ऑपरेटिंग वोल्टेज जो निकलता है, तो इसका सप्लाई जो है हमें यहाँ जो है मेन कैपेसिटर है फिल्टर वाला, तो यहाँ चार डायोड है, तो हम फिल्टर में चेक करेंगे कि हमें वोल्टेज मिल रहा है कि नहीं। यहाँ दो कैपेसिटर है, तो दोनों में हम चेक करेंगे जो वोल्टेज मिलना चाहिए इसमें जो है मेंशन किया हुआ होगा। यह जो कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर का वैल्यू है 1000 UF और वोल्ट है 35 वोल्ट, तो इसमें जो है हम 35 वोल्ट यानी कि डीसी में हम 250 में रखेंगे, और इस पर मिलने वाला वोल्टेज को हम चेक करेंगे यहाँ पर ब्रिज रेक्टिफायर में, यानी कि यहाँ जो कैपेसिटर दिया हुआ है इसमें चेक करेंगे दोस्तों। तो चलिए हम चेक करके कंफर्म करते हैं। तो हमारा कैपेसिटर का जो है नेगेटिव ये साइड है और इस साइड पॉजिटिव है, तो ऑन कर देता हूँ। तो ये मैंने दोस्तों ऑन कर दिया है, अब चेक करेंगे। ये जो है स्टेबल, इसमें जो है मीटर में सप्लाई नहीं दिखा रहा है। और बाकी हम अगर चेक करते हैं तो हमें जो है पावर सप्लाई मेन का चेक कर लेते हैं 250 में। तो दोस्तों यहाँ है इसका इनपुट, देखिए मिल रहा है। तो चलिए हम ये जो है कैपेसिटर में हमें सप्लाई नहीं मिल रहा है, 35 वोल्ट का कैपेसिटर में कम से कम हमें 22-25 वोल्ट मिलना चाहिए। तो यहाँ जो है इसका जो है माइनस ये साइड है और ये जो है प्लस है, तो यहाँ नहीं आ रहा है दोस्तों। और इधर में भी एक है, उसमें भी नहीं आ रहा है, उसमें थोड़ा सा आ रहा है, ये साइड में नहीं आ रहा है। तो चलिए दोस्तों हम एसी कंफर्म करते हैं, एसी वोल्टेज जो कि इसे निकलने वाला इसको विदाउट रेगुलेट वोल्टेज को चेक करके कंफर्म करते हैं। तो देखेंगे हम फिर से 250 में रख करके, और यहाँ देखेंगे वोल्टेज एसी का वायर, ये जो है 3-3 है, यानी कि इसमें जो है 18018 होगा या तो 15015 का होगा। तो हम चेक करेंगे, ये मिडिल पॉइंट है एक, और दो जो है सेंटर टैपिंग है मिडिल पॉइंट, ये वाला मिडिल पॉइंट है सेंटर टैपिंग, और ये दोनों जो है 18018 होगा या तो 18232, यही लगभग हमें यहाँ चेक करना है। तो चलिए हम कंफर्म करते हैं। तो दोस्तों यहाँ एसी चेक करेंगे, एसी चेक करेंगे 25 के वोल्ट में चेक करेंगे, ये मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा है, ये हमें मिला एक तरफ और एक तरफ नहीं मिला। तो ये सेंटर टैपिंग में जो है दोस्तों एक साइड नहीं है और एक साइड है, यानी कि ट्रांसफार्मर से जो है हमारा आउटपुट नहीं आ रहा है, यानी कि यह सेंटर टैपिंग में एक कॉइल एक का जो है लीड जो है ओपन हो गया होगा। तो चलिए हम ट्रांसफार्मर को कॉल करके इस वोल्टेज को हम निकालते हैं। तो चलिए हम ट्रांसफार्मर को खोलते हैं। मैंने ये ट्रांसफार्मर खोल लिया है, उसे साइड में रखते हैं, इसे साइड में रखते हैं, और हमें जो है ये वाला जो है सेंटर टैपिंग वाला, इसमें जो हमें सप्लाई नहीं मिल रहा है, तो इसे तो दोस्तों मैंने ये जो है डिस्कनेक्ट कर लिया है कंट्रोल सर्किट को, और ये रहा हमारा ट्रांसफार्मर। अब हम इसमें चेक करेंगे ये वाला, क्योंकि अभी अभी इस पर जो है सप्लाई नहीं दिखा रहा था। ये सेंटर टैपिंग है और इसमें जो है ऑपरेटिंग वोल्टेज निकलता है आपका सर्किट को ड्राइव करने वाला वोल्टेज, जो भी हो 18 वोल्टेज 18018, एक तरफ से चल रहा है, ये दोनों तरफ से चल रहा है, ठीक है। और वहाँ पर जो है हमें दिखा नहीं रहा था, तो देखते हैं वहाँ पर। तो चलिए दोस्तों सर्किट को जोड़ देते हैं इस सप्लाई के साथ में। यहाँ पर तार हमें जला हुआ मिला, तो देखते हैं इसमें काम होता है या नहीं है, क्योंकि ये जो है कॉमन पॉइंट यहाँ पर जो है हमें लगा टूटा हुआ था, तो देखते हैं कच्चे से लगा करके।
तो चलिए दोस्तों फिर से हम जैसा था वैसा ही सोल्डरिंग कर देते हैं टोटल को। ये रहा आउटपुट वाला लीड, ये रहा लो मीडियम हाई तीन तरह का टेपिंग, दोस्तों मैंने कनेक्ट कर लिया है और ये देखिए सही हो गया है। तो इसमें जो है ना दोस्तों ये जो सेंटर टैपिंग था उसमें से जो है तार वायर जो है कट हो गया था। अब ये देखते हैं कितना देर में इसका जो है ये ऑपरेट होता है आउटपुट। तो दोस्तों ये जो है ऑन हो गया है कुछ इस तरह से है और इसमें जो है हमें एक प्रॉब्लम मिला जिसमें कि टाइमर सेक्शन का प्रॉब्लम है। तो इसको मैं शॉर्टकट से आउटपुट ले लूँगा ठीक है, क्योंकि ये जो है पूरा प्रोग्रामिंग वाला बोर्ड है तो इसलिए मैं इसमें से जो है आउटपुट लूँगा शॉर्टकट से। तो चलिए हम इसको फाइनल हम कनेक्ट करते हैं। तो दोस्तों इसमें जो है टाइमर फॉल्ट, टाइमर सेक्शन का फॉल्ट हो गया है। ये जो है ट्रांजिस्टर है यहाँ पर और ये जो है इनका सप्लाई है जो कि टाइमर सेक्शन को जो है डिले टाइम को ये करता है, कंट्रोल करता है। तो मैं इसको डायरेक्ट कर दिया बिना कोई टाइमिंग के, क्योंकि इसके वजह से जो है हमारा पूरा स्टेबलाइजर का यूज नहीं हो पाएगा। तो मैंने इसको जो है विदाउट टाइम डिले से ही कर दिया ख़त्म। और मैंने जो है रिले जो है आउटपुट निकालता है उस रिले को मैंने आउटपुट ले लिया वहाँ से। तो चलिए दोस्तों इसको हम सेट करते हैं जल्दी से और मिलते हैं। तो दोस्तों मैंने ये जो है ट्रांसफार्मर को कस दिया है और ये जो है हमारा इसका कनेक्शन है जो डिले टाइम होता है उसके लिए जो सप्लाई दिया गया है, इसके वजह से जो है डिले टाइम नहीं हो पा रहा है और जो है हाई वोल्टेज दिखा रहा है। तो इसके वजह से मैं जो है यहाँ पर जो है टाइमर रिले को डायरेक्ट कर दिया हूँ, जिसमें कि जो है डायरेक्ट आउटपुट हमें मिलेगा, टाइम डिले से कोई ये नहीं है। नहीं तो ये SMD है जिसकी वजह से मैं इसे नहीं कर पा रहा हूँ। तो दोस्तों मैंने ये सप्लाई दे दिया है, अब चेक करते हैं। तो दोस्तों ये काम करने लगा लेकिन इसमें जो है हमने डिले टाइम को सिर्फ जो है ये कर दिया है। और इनपुट से अगर हम देखें तो ये हमारा इनपुट और ये हमारा आउटपुट। तो दोस्तों मिलते हैं चलिए किसी दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।